मेरे मरने के बाद तुम सुखी रहना चाहती हो। आइसोलेशन से चिढ़ी सास ने बहू को जबरन गले लगा लिया और फिर जो हुआ वो हैरान करेगा। दोस्तों, आइसोलेशन में रह रही एक परेशान सास ने अपनी बहू को संक्रमित करने की इच्छा से उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग सुखी रहना चाहते हो, ये कहकर उसने अपनी बहू को ज़बरदस्ती गले लगा लिया। दोस्तों, क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर, सुनकर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद एक महिला इस कदर परेशान हुई कि उसने अजीबोगरीब कदम उठाया। कोरोना पॉजिटिव महिला ने अपनी बहू को भी संक्रमित कर दिया। वो इस बात से परेशान थी कि संक्रमित होने के बाद कोई उससे मिलजुल नहीं रहा था, उन्हें अकेले बंद किया था। ये मामला तेलंगाना के सोमरीपेटा गाँव का है, जहाँ कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई एक महिला को घर में आइसोलेट किया गया। परिवार के लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। वह दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैले इसी वजह से किया था, लेकिन इस बात से वो महिला इस कदर नाराज थी कि उसने अपनी बहू को भी जबरदस्ती गले लगा लिया और उसे भी संक्रमण दे दिया। बहू के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमरीपेटा गांव के बाहर उसे निकाल दिया गया। मजबूरन उसकी बहन ने उसे राजना सिरसिला के तिम्मापुर गाँव में उसके माता पिता के घर रखा। बहू ने बताया कि उसकी सास इस बात से परेशान थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है और घर वालों ने उन्हें आइसोलेट किया हुआ है। उसकी सास ने उसे ये कहकर गले लगाया कि तुझे भी कोरोना संक्रमण होना चाहिए। बहू ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से सास को परिजनों ने अलग रखा था, अलग खाना पीना दिया जाता था, पोते पोतियां दूर रहते थे, यही सब बातें उन्हें परेशान करती थी। आइसोलेशन से परेशान होकर सास ने अपनी बहू को भी संक्रमित करने के लिए ये कहते हुए कि तुम सब बाद में मेरे मरने के बाद सुखी रहना चाहते हो, ये कहकर उसने गले लगा लिया। हालांकि बहू अभी अपने बहन के घर में रह रही है और आइसोलेशन में है, उसका इलाज चल रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, ऐसी सांसों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।